सभी दोस्तों को जय हिंद वंदे मातरम तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि दोस्तों असम awesome राइफल्स में जो नई भर्ती आ रही है उसमें सिलेक्शन के लिए आपको जो काम शुरू कर देना है जो आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं तो मेरे प्यारे भाइयों यदि आप लोग असम राइफल्स की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो भाई सिलेक्शन लेना है तो भाई आपको एक काम शुरू करना पड़ेगा जो आज इस वीडियो में बताने वाले हैं और साथ में चीज़ बता दे कि भाई यदि आप असम राइफल्स टेक्निकल ट्रेड्समैन की जो नई भर्ती आ रही है यदि आप उसको ट्रेड्समैन बी एस एफ ट्रेड्समैन सी आई एस एफ ट्रेड्समैन सी आर पी एफ ट्रेड्समैन की भर्ती से यदि कंपेयर कर रहे हैं अरे चलो उसमें तो मेरा अच्छा खासा नंबर आ जाता है या एस एस सी जी डी में मेरा अच्छा नंबर आ जाता है तो हम असम राइफल्स में भी अच्छा नंबर ले आएंगे पढ़ने की क्या जरूरत है फिजिकल करने की क्या जरूरत है कुछ करने की क्या जरूरत है अरे जब भर्ती आएगा ऑनलाइन अप्लाई जब से शुरू होगा ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे और फिर तैयारी करेंगे मेरा कंप्लीट हो जाएगा हम तो तैयारी कर ही रहे लेकिन नहीं दोस्तों आप जो सोच रहे हैं उस तरह से नहीं असम राइफल्स में आप लोगों को सिलेक्शन के लिए भाई सी से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को असम राइफल्स में जाने के लिए अब क्यों इसका रीजन क्या है आइए इस वीडियो में जानते हैं वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा लेकिन उससे पहले बता दें दोस्तों कि दोस्तों अभी आप लोगों को बहुत सारा न्यूज बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पर देखने को मिल रहा होगा कि अभी इस भर्ती के बारे में कोई अता पता लापता है कोई सूचना नहीं है लेकिन नहीं दोस्तों असम राइफल्स की नई भर्ती कभी भी किसी भी वक्त आपको देखने को मिल सकती है कोई डेट फिक्स नहीं है भर्ती का जो शेड्यूल है वह तैयार है और बहुत सारे आपको लोग बताएंगे कि मेरा वहाँ पर कनेक्शन है मैंने वहां से पता किया अभी बोला कोई भर्ती नहीं आएगी लेकिन नहीं दोस्तों भर्ती आ रही है तैयारी आप लोगों को रा... तैयार रहना है बस विलंब हुआ असम राइफल्स तो तो जानते है इस वीडियो में जो नए स्टूडेंट हैं जो असम राइफल्स की भर्ती के बारे में जानना चाहते हैं बने रहिए इस वीडियो में तो सबसे पहले दोस्तों बता दें कि पोस्ट की जो संख्या है वह आपको बारह प्लस पोस्ट की संख्या इस बार आने वाली है जिसमें लगभग 607 पोस्ट जो आएगी जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और आयु जो बता दे दोस्तों यहाँ पर टेंथ पास और बारहवीं पास बच्चों के लिए भर्ती आएगी दसवीं पास वाले बच्चे भी यहाँ पर टेंथ पास वाले बच्चे भी और बारहवीं पास वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकेंगे इस भर्ती में लेकिन लंबाई अलग अलग है तो आइए जानते हैं तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए और दोस्तों एक चीज बता दे यदि आप लोग चैनल पे नए हैं पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा बेल बटन को दबा के जाइएगा देखिए यहां पर एक नंबर में आपकी कुक की भर्ती दो नंबर में वाटर कैरियर तीसरे नंबर में सफाई वाला चौथे नंबर में वाशरमैन पांचवें नंबर में बार बार और छठे नंबर में यहां पर की भर्ती रहने वाली है अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे तो अरे चीज बताते हैं लेकिन भाई इसमें जानकारी अलग है अप्लाई कर सकेंगे कौन से तो टेंथ पास बच्चे इसमें अप्लाई कर सकेंगे यदि आयु की बात करें तो अठारह से पच्चीस साल आपकी आयु लगने वाली है समझ गए और यहाँ पर ओबीसी को यहाँ पर देख लीजिए ओबीसी को यहाँ पर तीन साल का छूट मिलेगा एस सी को पांच साल का समझ गए ओबीसी ओबीसी को यहां पर मतलब कि वाले से लेकर साल तक अप्लाई कर सकेंगे और एस सी वाले अठारह से लेकर तीस साल तक यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे इस भर्ती में तो जितने भी कुक वाले हैं वाटर कैरियर वाले हैं वाशरमैन वाले हैं भाई इन सभी का ट्रेड टेस्ट होगा समझ गए ट्रेड टेस्ट होगा जिस तरह से बीएसएफ ट्रेड्समैन में ट्रेड टेस्ट होता है इस तरह से आपका इसमें ट्रेड टेस्ट होगा काम करवाया जाएगा और ट्रेड टेस्ट का कोई नंबर नहीं मिलेगा समझिए असम राइफल्स की बात करें और सभी अपना अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा और जो भी बच्चे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं याद रखिएगा दो से पहले का बना होना चाहिए आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्योंकि दोस्तों असम राइफल्स में जो नई भर्ती आ रही है टेक्निकल ट्रीटमेंट की वह दो की भर्ती है 2024 की भर्ती नहीं है वह चौबीस की भर्ती है है इतना याद रखिएगा 2024 की भर्ती भर्ती नहीं है क्योंकि 2023 में में ग्रुप बी और सी आई थी बी पोस्ट की भर्ती नहीं आई थी किसी कारणवश लेकिन अब वो भर्ती आ रही इतना समझ गए और देखिए इसमें कुक में वाटर कैरियर में सफाई वाला में वाशरमैन में, में बारबर में और कोबलर में जो लंबाई लगेगा 170 cm, 170 तो एक सेंटीमीटर समझ गए? जो क्लर्क पोस्ट की रहने वाली है किसकी दोस्तों तो आप लोगों को इसमें एक भर्ती जो मिलने वाली है क्लर्क का जो हमने आप लोगों को कई बार वीडियो में बताया है कि भाई इसमें बारवी पास बच्चे अप्लाई कर सकेंगे इसमें आपका टाइपिंग भी क्लर्क में टाइपिंग मांगा जाएगा और कलर्क में जो पोस्ट की संख्या रहने वाली है तीन सौ प्लस पोस्ट की संख्या आपको कलर कलर्क में देखने को मिलने वाली है असम राइफल्स में लंबाई की बात करें तो लंबाई एक सौ पैंसठ सेंटीमीटर आपको इसमें मांगा जाएगा कलर कलर्क में और बारहवीं पास और लंबाई एक सौ पैंसठ सेंटीमीटर इसमें मांगा जाएगा समझ गए इतना आप सम, समझ गए इसके बाद दोस्तों हम लोग यदि सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें असम राइफल्स में तो देख लीजिए दोस्तों तो, पहले असम राइफल्स में आपका क्या होगा पहले आप लोगों का यहां पर फिजिकल हो होगा समझ गए पहले फिजिकल होगा फिजिकल के साथ ट्रेड टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यह आपका हो गया पहला पहला प्रोसेस प्रोसेस दोस्तों आपका हो गया पहला प्रोसेस. इसके बाद जो मेन प्रोसेस है दोस्तों जो मेन प्रोसेस है वह आप लोगों का क्या है तो वह आप लोगों का है दोस्तों एग्जाम समझ गए जो यदि हम असम राइफल्स में मेन प्रोसेस की बात करें जहां पर अधिकतर बच्चे यहाँ क्या हो जाते हैं तो यहां पर हो जाते हैं रिजेक्ट समझ गए दोस्तों रिजेक्ट यहाँ पर क्या हो जाते हैं रिजेक्ट फिजिकल सब पास कर लेता है ट्रेड टेस्ट सब पास कर लेता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब पास कर लेता है लेकिन दोस्तों मेन जो आप लोगों का प्रोसेस है यदि हम इसको बोले तो ये आपका बीच वाला प्रोसेस है समझ गए ये एग्जाम एग्जाम में काफी बच्चे फेल होते हैं यदि मान के चलिए पचास हजार बच्चा क्वालिफाई किया फिजिकल तो समझ लीजिए यहाँ पर दस हजार से पंद्रह हजार बच्चे एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं समझ गए क्यों पता है क्यों क्योंकि असम राइफल्स की भर्ती अचानक आती है और असम राइफल्स की जो भर्ती आती है तो वह अपना फिजिकल ट्रेड टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एग्जाम मेडिकल सबका डेट एक साथ लेकर आती है गए और एक महीना का मात्र समय मिलता है और बच्चे काफी ज्यादा बच्चे असम राइफल्स की नई भर्ती का इंतजार करते रहते हैं तो भाई जो पढ़ाई करते हैं जो तैयारी करते हैं जिनको सिलेक्शन लेना है तो वह अभी से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों बता दे कि असम राइफल्स का क्वेश्चन जो होता है वह बारहवीं लेवल का होता है और असम राइफल्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम उसका ऑफलाइन होता है ऑफलाइन होता है और क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है दोस्तों वह आप लोगों को लॉक नहीं देखने को मिलेगा थोड़ा सा हाई इसका क्वेश्चन का पैटर्न रहता है हाई इतना बात को आप लोग ध्यान रखिए लेकिन दोस्तों कई बार असम राइफल्स की भर्ती आई हम लोगों ने कवर कराए समझ गए लेकिन वहां पर बच्चों को एक ही चीज देखने को मिलने को बोलता है काफी बच्चे कि भाई असम राइफल्स की भर्ती में सबसे ज्यादा पहले जो वरीयता दी जाती है वह असम के अभ्यार्थियों की वरीयता दी जाती है समझ गए ऐसा बच्चों का कहना है काफी बच्चे हमें कॉल किए मैसेज किए कि गुरुजी मेरा यार फिजिकल हम पास थे मेरा अच्छा नंबर था लेकिन मेरा नाम नहीं आया मतलब कि जो बिहार है उत्तर प्रदेश है राजस्थान हरियाणा मतलब असम के बच्चों को वहां पर वरीयता दी जाती है बच्चों का कहना है समझ गए जो काफी अभ्यर्थी हमको बताए लेकिन हमने सबको इस सिरे से नकारा और हमने सबको बताया है कि दोस्तों ऐसा कोई नहीं है हम सब भारतीय नागरिक है सबका एक सम्मान है असम राइफल्स की जो भर्ती है वह सबके लिए है केवल असम के बच्चों के लिए नहीं है ऐसा नहीं कि केवल असम के बच्चे ही की बढ़ियता दी जाएगी सभी बच्चों की वरीयता दी जाएगी लेकिन दोस्तों आप लोगों को तैयारी अपनी जारी रखना है असम के बच्चों को असम राइफल्स की भर्ती में थोड़ी सी छूट मिलती है और बाहर के बच्चों को छूट नहीं मिलती है इसीलिए तो इसीलिए दोस्तों असम राइफल्स की भर्ती की आप इंतजार कर रहे हैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों कि आप लोग एग्जाम पर फोकस कीजिए अपना तैयारी कीजिए जीके का जीएस का हिंदी का रीजनिंग का मैथ का ये सभी चीजों पर फोकस कीजिए हमें पता है कि भर्ती आएगी आप लोग फिजिकल क्वालिफाई कर लीजिएगा ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर लीजिएगा लेकिन दोस्तों एग्जाम में काफी बच्चे रिजेक्ट होते हैं हमने कई बार देखा है दो हजार बाईस से हम इस यूट्यूब चैनल पर भर्तियों के बारे में आप लोगों की दिन रात सेवा कर रहे हैं अभी तक में असम राइफल्स की तीन से चार भर्ती गई है सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो डिस्कालीफाई हुए वह किस में तो वह हो गए एग्जाम में मैं आप लोगों को बार बार बताता हूं यदि आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो मेरे प्यारे भाइयों आप लोग एग्जाम पर फोकस कीजिए और एग्जाम की तैयारी कीजिए कि भाई सौ क्वेश्चन तो पूछा जाएगा तो आपका कम से कम अस्सी से पचासी नंबर आपका आना चाहिए क्योंकि एग्जाम ऑफलाइन होता है यदि सिलेक्शन लेना चाहते हो तो एग्जाम की तैयारी में लग जाओ मेरा तो भाई कहना है अब फैसला आप लोगों के हाथ में है तो दोस्तों असम राइफल्स की भर्ती बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलने वाली है बस एक ही चीज हम बोलेंगे लास्ट में कि तैयारी अपने कीजिए यदि जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उस सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए एग्जाम ऑफलाइन होता है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एग्जाम मेडिकल सब कुछ एक साथ होगा घर आने नहीं दिया जाएगा जो बच्चे पास हो जाएंगे फिजिकल ट्रेटेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारा प्रोसेस वहीं पर होता है और 10 से पंद्रह दिन के अंदर समझ गए दोस्तों तो तैयारी में लग जाइए नई भर्ती आ रही है चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए जैसे ही भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज होता है फटाफट हम वीडियो बना देंगे मिलते किसी और नए वीडियो में जय हिंद वंदे मातरम